जय हिंद जय महाराष्ट्र। नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम टीम के ब्रिगेड से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर मैं नदीम खान। आज हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने पैसा दिया था 3.5 साल पहले एक नर्स का और मेडिकल का सर्टिफिकेट के लिए उनका कोर्स था, उनके साथ एक बहुत बड़ा चीट हुआ है। तो एकनाथ शिंदे जी, मिस्टर सीएम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अंदर उस पर इन बच्चों ने FIR लॉन्च किया, उसे अरेस्ट किया गया है और 7 तारीख तक PC में रख के अभी JC किया गया। तो आज ये मैटर कोर्ट में जा रहा है, लेकिन ये बच्चे इतने सहमे हुए हैं कि इन्होंने पैसा देने के बाद में इनका 3.5 साल वेस्ट हुआ। हमारे भारत में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये हमारे यूथ के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड होता है और इनके ऊपर प्रेशर भी आता है और जो सामने एक्यूज है, जो आरोपी है, वो अपने पैसों के जोर पे हर चीज को खरीदने की कोशिश करता है। तो सर, ये लोग के साथ अगर अन्याय होगा तो महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का भविष्य है। हम कहते हैं कि महाराष्ट्र की भविष्य को आगे ले और आज हमारे भविष्य को पीछे कर रहे ये कुछ चीट लोग और चीटर ऐसे लोगों का पैसा खा लेते। सर, इनके माँ बाप कितने मेहनत से पैसा जोड़े होंगे, ये आप देख सकते हैं, ये कोई रिच नहीं है। ये इनके डैडी 8 से 9 की ड्यूटी करके आते हैं, मंथली सैलरी पे रहते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, कैसे पैसे जोड़ते हैं और इनके सपनों को तोड़ दिया जाता है। ये ऐसे लोग हैं, चंद अपने शौक के लिए इन गरीब बच्चों के जज्बातों से खेल रहे, इनके वक्त से खेल रहे। तो PM मोदी से और माननीय श्री CM साहब एकनाथ शिंदे जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे जुल्म करने वालों को कानूनी सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और इन लोगों का फुल सपोर्ट आपको होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास मैं बहुत जल्द इन बच्चों को लेके आने वाला हूं। कोर्ट के अंदर मैटर डाला गया है, लेकिन कोर्ट से न्याय हमको कब मिलेगा इसकी हमें कोई पुष्टि नहीं है और कोई ये नहीं है। हमको पूरा भरोसा भी है इस देश के कानून पर और आप जैसे नेता लोगों के ऊपर भरोसा रखना हमारा फर्ज है, तो आपका भी फर्ज है। हमारे वोट के बदले इनको इनका हक दी, इन्होंने कहीं ना कहीं इनके डैडी ने वोट डाला होगा और ये कल वोटर बनेंगे। अगर इनका हेल्प नहीं होगा तो आपकी वोट भी खतरे में आ सकता है, तो वो खतरा मत देखिए, आप इनका भविष्य देखिए। सही है। थैंक यू फॉर CM। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देखिए बच्चों कितने मजलूम है जो हेल्प मांग रहे, ये मेरी आवाज जानी चाहिए। जय हिंद जय महाराष्ट्र।